दोस्तों, एलान एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक जरूर जरूर सीखी थी मैंने, एक चीज जरूर सीखी मैंने, वो है ड्यूटी और वादा निभाना। आप में से बहुत मेरे फ्रेंड्स जानते हैं कि नवंबर के बाद मैं क्यों नहीं पढ़ा पा रहा था। वो दोस्त मुझसे पूछते भी हैं हर प्रीमियर में कि क्या अब आप ठीक हैं। पर दोस्तों, ठीक हो या ना, मेरा वायदा था आपसे कि आपके बोर्ड से पहले हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी खत्म कर दूंगा। दूसरा, मुझे लगता है कि शायद मेरी ड्यूटी भी है उनके लिए जो अपना विश्वास मुझ में रखते हैं। ना तो आप मुझे जानते हैं, ना मैं आपको, ना आपने मुझे पैसे दिए हैं, ना मुझे कुछ मिलता है, पर फिर भी उस विश्वास ने एक ड्यूटी में बांध सा दिया है जो मुझे आपका सिलेबस पूरा करने के लिए रातों को जगाता है। कुछ भाई बुरा भी बोलते हैं, मुझे भी बुरा लगता है, पर फिर भी उनके लिए जिन्हें मुझ पर और इन वीडियोस पर अपने चैनल पर विश्वास है, उनके लिए अब हम ज्योग्राफी के लास्ट चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी कवर कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपसे किया वायदा पूरा करने के लिए मैं इस प्रोजेक्ट पर हम लगे हैं। सोशल स्टडीज की वैल्यू आप सब जानते ही हैं। हाँ, चूंकि मैं एक टीचर नहीं हूं, मुझे नहीं मालूम कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं, और ना ही मैं इनमें बिलीव करता हूं। मेरे लिए किताब की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तभी वो यहां लिखी गई है और आपको मालूम होनी चाहिए। याद हो ना हो वो जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आपको मालूम भर होनी चाहिए। मैं आपको अब इस पूरे चैप्टर में सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूंगा, आपकी मर्जी है, मेरा फर्ज है। दोस्तों, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी ही तरह का माल और सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। कुछ तो हमें आसपास ही मिल जाती है, पर कुछ को कहीं और से लाकर हमारी जरूरत पूरी होती है। यह माल और सेवाएं अपनी मिलने वाली जगह से काम की जगह अपने आप नहीं पहुंच जाती। इन माल और सेवाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। कई लोग इन मूवमेंट्स को कराने में लगे होते हैं, ये व्यापारी होते हैं जो माल को, सामान को कंज्यूमर तक लेकर जाते हैं। तो देश की तरक्की की स्पीड डिपेंड सिर्फ सामान के और सर्विसेज की प्रोडक्शन पर ही डिपेंड नहीं करती, बल्कि जगह में उनकी स्पीड पर भी डिपेंड करती है। इसका मतलब है कि तेज स्पीड से विकास के लिए अच्छे और एफिशिएंट साधनों की जरूरत है। तो माल और सर्विसेज की मूवमेंट धरती के तीन इलाकों में होती है, लैंड यानी जमीन, वाटर पानी, और एयर यानी हवा। इस बेस पर ट्रांसपोर्ट भी लैंड, वाटर और एयर में क्लासिफाई हो जाता है। कितने ही साल तक व्यापार सिर्फ लिमिटेड स्पेस में होता था, यानी जमीन पर या पानी पर, पर साइंस और टेक्नोलॉजी में विकास होने से अब व्यापार और ट्रांसपोर्ट दूर दूर तक होता है। इस तेज और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट से पूरी दुनिया जैसे एक बड़े से गांव में कन्वर्ट हो गई है, और यह ट्रांसपोर्ट अकेले नहीं कर पाया, बल्कि इसमें उसे उतने ही तगड़े विकसित कम्युनिकेशन यानी संचार के साधनों से भी हुआ। तो यहां एक ट्रायंगल बनता है जिसमें ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी अपने विकास के लिए दूसरों पर उनका डिपेंड रहना जरूरी है। दोस्तों, आज का हिंदुस्तान पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, भले ही हमारा बहुत बड़ा इलाका है, दुनिया के सातवें बड़े देश हैं हम, भले ही कितनी ही डाइवर्सिटी हो यानी विभिन्नता लिए हो हम, कितने ही स्टेट, कितनी ही भाषाएं, कितना कुछ अलग अलग कल्चर, धर्म, खान पान वगैरह, पर इतनी विभिन्नता होने के बावजूद देश के समाज की, इकोनॉमी की तरक्की में रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज, अखबारें, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट का कंटिन्यूस योगदान है। हर लेवल पे होने वाला व्यापार, चाहे वो गली मोहल्ले में हो या इंटरनेशनल लेवल का, उससे हिंदुस्तान की इकोनॉमी मजबूत ही हुई है। हमारी जिंदगियां खुशहाल हुई हैं, ऐशो आराम बढ़ा है, और जिंदगी को कंफर्ट देने के साधन बढ़े हैं। हम देखेंगे कि कैसे आजकल के ट्रांसपोर्ट के साधन और कम्युनिकेशन के साधन देश की और इसकी इकोनॉमी की जीवन रेखाएं हैं, लाइफलाइन है। इस तरह यह साफ ही दिख रहा है कि ट्रांसपोर्ट का एक तगड़ा घना नेटवर्क और कम्युनिकेशन का जाल
आज के लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, हम ट्रांसपोर्ट को उनके डोमेन के बेस पर तीन में डिवाइड कर लेते हैं। पहले लैंड, लैंड में आए रोडवेज यानी सड़कें और उनके टाइप, फिर रेलवे और उनके टाइप, और तीसरी पाइपलाइन। अब बारी पानी की, इसमें दो तरह की ट्रांसपोर्ट होती है, एक जो देश के अंदर ही नदियों में, लैगून में, बैक वाटर्स में होती है, दूसरी वो जो इंटरनेशनल यानी बाहर के देशों में समंदर के रास्ते होती है। यानी अब दो बनी इसमें, इनलैंड और ओवरसीज। इसके बाद हम तीसरे डोमेन यानी एयर के बारे में देखते हैं। इसमें भी दो हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, और दोनों में आगे सरकारी और प्राइवेट एयरलाइंस हैं। दोस्तों, रोड्स कितनी तरह की हैं ये हम अब करेंगे अपने अगले वीडियो में।